अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवीरिया का मालूम उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज है जी 6 अक्टूबर और इशा हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 8:45। और मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी बफे की, बफे डिनर की। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ है, कितने का है। तो भाई मुझे नहीं पता, मैं इन्वाइटेड थी, अगेन वहीं जा रही हूँ। और आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में, पहले की वीडियोज़ में भी सुना होगा, अब्दुलरहमान भाई का मेरे पापा के फ्रेंड हैं बेसिकली फ्रेंड, चाचू बोलना चाहिए लेकिन भाइयों की तरह है। बस हम जा रहे हैं वहीं डिनर करने के लिए। आपको आज का मेन्यू भी दिखाते हैं। ये है चपाती। चपाती यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाइट साइज चपाती होती है। चावल है, हैदराबादी दाल है, ये आलू और सब्ज़ी आए थे, ये जो है वो चिकन है। उस दिन भी ये था, ये सालन था और ये था, और नगेट्स थे। आज आई थिंक कुछ हो सकता है फ़िश हो या कुछ इस तरह, या नगेट्स ही होंगे। सैलड है, फ्रूट है, चाय है, ठंडा पानी है और ये सारी चीज़ें हैं। अब बना लेते हैं जी अपनी प्लेट। ये है लूना मिल्क। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ आई थी तो सिर्फ इस मिल्क की वजह से मैंने चाय पीनी शुरू की थी, वरना मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। यहाँ पर मिक्स करने के लिए इस तरह के स्टिक्स होती हैं। और अब दूध पत्ती चाय बना ली है हमने जी। हमने खाना खा लिया है और यहाँ पर थी लूना मिल्क की चाय। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ 2007 में आई थी उमरा करने के लिए और सऊदी फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी। लेकिन यहाँ पर जब मैंने लूना मिल्क की चाय ट्राई की तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद मैं डेली चाय पीती थी। और उसके बाद फिर यही हुआ कि जब भी उमरे पर आई तभी चाय पी, लेकिन अब यह है कि थोड़ी बहुत चाय मैं पी लेती हूँ। लेकिन आज मैंने लूना मिल्क देखा तो यहाँ पर मैं इन्वाइटेड थी खाने पर, तो मैंने लूना मिल्क देखा तो वो जो बचपन वाली याद थी वो मैं वहाँ चली गई और मैंने खूब जो है लूना मिल्क की दूध पत्ती चाय बनाई और वो पी ली। लेकिन यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना रही थी और 1 कप चाय मैंने गिरा दी और भाई का काम बढ़ा दिया, तो सॉरी के अलावा हो भी क्या सकता था। माजरत तो मैंने कर ली लेकिन इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता था। खैर अब चलते हैं हरम की तरफ। हमारा प्लान ये है कि पहले हम छत पे जाएंगे रूफ टॉप पर, और उसके बाद हम जाएंगे क्लॉक टावर। हमने कुछ 1-2 काम करने थे तो फिर वो भी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या करें। जी हम जा रहे हैं हरम की तरफ और इस वक्त बज रहे हैं 9:30 और लोग इस अभी चूँकि इशा हुए तो काफ़ी देर हो गई, लेकिन अब लोग जो निकल कर आ रहे हैं ना, इतना ज़्यादा रश है और गाड़ियों का भी इतना रश है क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दूसरे सिटीज से भी आए हुए होते हैं, वो भी जा रहे होते हैं वापस। बहुत ज़्यादा रश है रोड्स पर और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सामने से लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और हरम में देखते हैं, प्लान हमने ये किया हुआ था कि आज छत पर जाएँगे। वैसे अगर आप लोगों में से किसी ने मुझे पहले से फॉलो किया हुआ है तो जब मैं पहले जितनी बार भी आई हूँ इशा की नमाज अगर अब्दुलरहमान सुदेश पढ़ाते थे, मैं कोशिश करती थी कि मैं छत के ऊपर जाऊँ ताकि बहुत सुकून हो। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनके इमामत में जब बिल्कुल काबे के सामने नमाज़ पढ़ी तो फिर वो छत वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मुझे वो वाला लगा। तो फिर अब अगर कोशिश होती है कि फिर काबे के सामने नमाज़ पढ़ी जाए जब शेख सुदेश पढ़ाएँ, तो वो एक उनकी आवाज़ में, वैसे तो काबे के सामने हर ही नमाज़ पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन शेख सुदेश की आवाज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर अभी छत की तरफ चलते हैं और
आपको भी दिखाते हैं कि छत का मंजर अभी कैसा है। रोड है ये है क्लॉक टावर और मक्का टावर वाला रोड। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं कि जो क्लॉक टावर है वही मक्का टावर है। मक्का टावर नहीं है, मक्का टावर ये है और क्लॉक टावर वो है जिसके ऊपर फेमस क्लॉक है। तो यहाँ पर ये इस तरह के बाज़ार लगाए हुए होते हैं, लेकिन ये बल्दिया वाले आते हैं और इनको उठाते हैं और फिर ये लोग भागते हैं अपना सामान जो है वो बोरी बोरी बना के, क्या बोलते हैं, पोटली बना के, सॉरी। है भीका मंजर। हम पहुंच गए जी हरम और अब हम जा रहे हैं छत की तरफ। छत का रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ और छत पर चलते हैं। अभी खुली तो होनी चाहिए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। जब रश थोड़ा कम होता है तो फिर छत इस टाइम बंद कर देते हैं, लेकिन अभी तो आई थिंक खुली होगी। चल कर देखिए, यहाँ पर है दरवाजे नंबर जिस तरह लिखे हुए, जैसे कि 87, 88, तो हम 91 से जाएंगे। और ये है क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने 5 नंबर वॉशरूम के पास। आप देखेंगे वो जो दरवाज़ा है वो उम्रे वालों को जाने दिया जाता है। यहाँ पे 91 नंबर का दरवाज़ा है जिससे हम सीधा ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से जाएंगे ऊपर। चले जी हम आ गए हैं हम छत पर। और ये जो मेहराब बने हुए हैं ये टीवी में जब आप ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से नज़र आ रहे होते हैं। ये 3 हैं बेसिकली। अभी 2 महीने पहले ये रेनोवेट हो रहे थे और अभी देखते हैं कि कितना काम हो गया है। पहले यहाँ से आप काबे को बहुत अच्छे से देख सकते थे, लेकिन अब जो है वो काबा बंद कर दिया है। 2019 तक तो बहुत आराम से आप ऊपर बैठ के काबे को देख सकते थे, लेकिन अब बंद कर दिया। आप वैसे ही छत पर आ सकते हैं। आई थिंक अभी तो छत बहुत खाली है, लेकिन छत पे सुकून बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ को इज़्ज़त दी है, मुझे लगता है ये जो क्लॉक टावर है इसको भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। इवन खाना काबा से इसकी कोई ऐसा एसएच लिंक नहीं है कि कोई ताज़ीम हो, लेकिन मक्का शहर से इसकी इतनी वाबस्तगी हो गई है कि आप मक्का में एंटर होंगे सब जो है ढूंढ रहे होते हैं, नहीं बन रहे ना, सब ढूंढ रहे होते हैं कि आपको क्लॉक टावर नज़र आ जाए। तो ये देखें जी, यहाँ से क्लॉक टावर बहुत अच्छा खूबसूरत नज़र आता है। और ये हैं ये 3 मेहराब और कंप्लीट हो चुके हैं ये माशाल्लाह। जब मैं लास्ट टाइम देखा था तो ये 1 बना हुआ था और 2 बन रहे थे और अब हो गया है कंप्लीट। वो जो है वो है जबल उमर, दारुल तौहीद, मक्का टावर और ये है क्लॉक टावर। जब मैं अपनी मम्मा के साथ आई थी तो मैं अपनी मम्मा को फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि हम मैं अपनी मम्मा के साथ जब लास्ट ईयर आई थी तो हम अराउंड 15 साल बाद एक साथ वापस आए थे। मैं बीच में आ चुकी थी काफ़ी बार, लेकिन अम्मी पापा नहीं आए थे और वो 15 साल बाद आए थे। तो जब 15 साल पहले हम आए थे उस वक्त से, तो तब छत पर नहीं ऐसे अलाउ करते थे, जब छत खुलती थी रमज़ान के लिए इस तरीके से तो हम नहीं आए थे। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर मम्मा के साथ आई तो मैं स्पेशली उनको ऊपर लेकर आई कि चले ऊपर चले, मैं आपको छत दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर हम 2 से 3 दफ़ा आए और बहुत अच्छा लगता था कि जब आप ऊपर भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो कभी आप चाहें तो आप आकर यहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जमात के साथ नमाज़ पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें छत पर इस तरह पोर्शंस हैं, ये मर्द हजरात का है, वो आगे लेडीज़ का है। यहाँ पर जिस तरह मर्द हजरात लेटे हैं वैसे आगे ख़वातीन भी जो है वो लेटी हुई हैं। सामने ये जो आपको नज़र आ रही है ये जो मक्का लाइव चल रहा होता है, ये वही है जो हम अपने घरों में देख रहे होते हैं। बहुत ही पुरसकून जो है वो यहाँ का माहौल होता है, लेकिन चूंकि गर्मी है तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस अब नीचे चलते हैं और उसके बाद चलेंगे शायद क्लॉक टावर। जा रहे हैं हम क्लॉक टावर में। कुछ विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ आपको भी दिखा देते हैं और जो भी अपडेट है वो आपको देते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स पे इस वक्त सेल लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पे सऊदी नेशनल डे था पिछले मंथ और काफ़ी अच्छी सेल थी, लेकिन कुछ लेना नहीं था। लेकिन अभी हम सब ने मिलके सोचा कि चलें चलते हैं, कुछ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये आ गए हैं जी क्लॉक टावर। इस तरह इसके यहाँ पर भी ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग मॉल है, फर्स्ट पे भी, ऊपर फूड कोर्ट भी है।
और तमाम ब्रांड्स भी मिलेंगे आपको, जो फूड चेन्स हैं वो भी मिलेंगी, इंटरनेशनल फूड चेन्स भी मिलेंगी, ऊद बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पर आपको, और अबाई के ब्रांड्स हों, ऊद के ब्रांड्स हों, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। स्टारबक्स भी मिलेगा, टिम हॉर्टन्स भी मिलेगा, ये टिम हॉर्टन्स है और इस तरफ स्टारबक्स है और ऊपर भी है स्टारबक्स एक। ये शॉप है अलबद्र करके और यहाँ पर आप ड्रेसेस देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, इस तरह मदर डॉटर के मैचिंग आउटफिट्स हैं और इस तरह यहाँ पे सेल भी लगी हुई है, 60 रियाल 60 रियाल, बच्चियों की जो है वो 30 रियाल पे है। पर है जी वॉचेस और बहुत ही खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। मुझे बेसिकली वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, वर्साची, फेंटी और गुची सब होते हैं। यहाँ पर क्या ही कोई खूबसूरत बैग्स हैं, ये ऑफ़र में लगा हुआ है सीके का और ये है 95 रियाल का, बहुत ही प्यारा है। ये 95 का है, देखो अच्छा लग रहा है, ये कुछ इस तरह लग रहा है जैसे हमारे यहाँ मिनी सो हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स और उस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें, ये बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो मिनी सो है ना, वहाँ पे मेकअप और इस तरह छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें मिलती है, बिल्कुल उसी तरह का ये आउटलेट लग रहा है। क्यूट क्यूट सी डायरीज हैं, स्टेशनरी भी है, क्यूट क्यूट से ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये है 24 रियाल का और ये वाला भी देख लेते हैं, ये है 23 रियाल का। हमारे होटल की लॉबी ये जो है वो अंदर की तरफ है, यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, सैलॉन भी है और एक जो है बाहर की तरफ भी है। हम आ गए हैं जी होटल और इस वक्त तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। अभी सोचा तो है कि इंशाल्लाह दोबारा हरम जाना है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि आज जुम्मा भी था तो वैसे भी जल्दी जो है वो सुबह हो गई थी, तो अब जो है वो एनर्जी जो है वो ख़त्म होने शुरू हो गई है, तो अब इंशाल्लाह देखते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जाते हैं हरम। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, अभी तक के लिए यही सारी चीज़ें थी और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। फ़ियामानल्लाह।